तो हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पार्टन हॉस्पिटलेट्स और सोहल हॉस्पिटलेट्स के बीच खेले जाने वाले दोस्तों आज के दिन के दूसरे T10 मैच के बारे में। स्पेन T10 का दोस्तों मैच नंबर दूसरा ये खेला जाएगा। इस वीडियो में आप लोग को मैं सभी प्लेयर्स के बारे में बताऊँगा कि दोस्तों कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें आपको अपनी टीम में रखना है और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं दोस्तों जिन्हें आपको अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। टेलीग्राम से दोस्तों अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पर मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स रहते हैं दोस्तों जिनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, ठीक है। और ऐसे दोस्तों ग्रैंड लीग के ट्रम्प्स प्लेयर आपको यहाँ पे देता हूँ जिनको आप यूज़ करके अपना टीम अच्छा खासा बना सकते हो। टॉस एंड लाइनअप के अपडेट मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शन होते हैं दोस्तों, लाइनअप के बाद में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप अच्छा खासा टीम खुद से बना सकते हो, ठीक है। अगर टीम प्रॉपर सोचते हो कि टीम से लगा करके जीत जाऊँगा तो मत आना, अगर कुछ सीखना है तो बिल्कुल आप लोग का टेलीग्राम में वेलकम है दोस्तों, ठीक है। तो लिंक मैं दे दिया हूँ दोस्तों टेलीग्राम चैनल का, एक तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ, तो दोनों जगह से आना। तो चलिए दोस्तों बात करें प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों ये मैच नंबर 27 रहेगा इस ECS स्पेन T10 का, और आज के दिन का दूसरा मैच रहेगा। SPH और SOH के बीच खेला जाएगा। 3:15 में मैच स्टार्ट होगा। सेम वेन्यू पे मैच रहेगा दोस्तों, बैलेंस सरफेस रहेगा। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं वेन्यू रिकॉर्ड देख सकते हो, हेड टू हेड रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है तो मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं बता रहा हूँ। सीधे आ जाते हैं दोस्तों SPH के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के तरफ। तो देखो, मोहम्मद आजम है और अली सूजा है, दोनों ने लास्ट मैच ओपन किया था। मोहम्मद आजम एक अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है जो कि 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी करेगा, प्लस दोस्तों ये आपके लिए ओपनिंग पे बैटिंग आ जाता है, कभी कभी वन डाउन, कभी कभी तीसरे चौथे नंबर पे भी खेल लेता है। तो इसका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, लेकिन इसका बॉलिंग फिक्स है और दोस्तों बैटिंग फिक्स है कि बैटिंग आना है इसका, तो लेकर के चलना है। अली सूजा है, ये भी दोस्तों ऐसा प्लेयर है ना, हर मैच में पॉइंट नहीं देता, किसी किसी मैच में देता है, बाकी हिटिंग ठीक ठाक कर लेता है, सिक्सेस मार लेता है, खेलेगा तो देख लेना, वरना फिर ड्रॉप करके चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों जे हैदर हैं, ये प्लेयर भी अच्छा प्लेयर है जो कि दोस्तों लास्ट के कुछ मैचेस से अच्छा परफॉर्म करके दिया है टीम को, बिल्कुल इसको चाहो तो अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। अयाज अहमद हैं, ये प्लेयर काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है लगातार, यहाँ पे देखो 14, यहाँ पे 50 नॉट आउट, यहाँ पे फिर 14, उससे पहले भी दोस्तों इसने अच्छे खासे इनिंग खेले हैं, तो ये प्लेयर जो है ना इसको लेकर के चलना आप लोग, ठीक है। तो ये तीन प्लेयर जो हैं, आजम हैं, जे हैदर हैं और अयाज अहमद, ये तीन प्लेयर्स को तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा। नीचे से दोस्तों आपके दिखेंगे ए अख्तर और इकबाल एस हुसैन, तो ये तीनों प्लेयर ना दोस्तों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको एक बार में काट दो आप लोग यहाँ से, ठीक है। नीचे से देखें तो परमवीर परमार हैं, और ये प्लेयर ना 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, ठीक है, 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता है, और साथ ही दोस्तों थोड़ा बहुत हिटिंग भी कर सकता है। लास्ट के 2 मैचेस जिसमें ना उसमें 6 की मारा है दोस्तों, तो 6 जो प्लेयर मार सकता है मतलब दोस्तों उसके में कैपेबिलिटी है रन बनाने का, तो लेकर के चलना, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है। मुजाहिद मोहम्मद दोस्तों चांस मिला लेकिन परफॉर्मेंस करके नहीं दिया है अभी तक उतना अच्छा खासा, कुछ मैचेस हैं जिसमें रन्स किए 23 यहाँ पे, 17 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, तो वो चीज़ दोस्तों हर कोई नॉर्मल प्लेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन बॉलिंग से बात करें तो अभी तक 1 विकेट भी नहीं लिया है, बाकी इसको बॉलिंग प्रॉपर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो विकेट्स बस इसको नहीं मिले हैं, तो देख लेना। GL के अंदर रोटेशन मारना है तो मार सकते हो, बाकी मैं अभी के लिए इसको प्रेफरेंस नहीं दिया हूँ, ठीक है। आफाक हुसैन है, इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे। मरूफ हुसैन है, ये दोस्तों टीम के लिए कैप्टनसी करते हैं, और ये प्लेयर ना कभी कभी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आता है, ये प्लेयर याद रखना, टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस ये लास्ट के मैचेस से बॉलिंग भी कर रहा है, तो इसके लिए दोस्तों मैं इसको सजेस्ट कर सकता हूँ आप लोग के लिए, लेकर के चल सकते हो इस प्लेयर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप टॉस के अकॉर्डिंग लेकर के चलना, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो बिल्कुल लेकर के चलो, सेकेंड में छोड़ सकते हो, बहुत लोग छोड़ देंगे। तो दोस्तों अभी के लिए जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना, उनमें है दोस्तों यहाँ पे आज़म, इनको लेकर के चले, और यहाँ से जे हैदर हैं, अयाज अहमद हैं, इनको लेकर के चले, और नीचे से दोस्तों आपके लिए देखो परमवीर खेलेगा तो इसको लेकर के चलना अपनी टीम में, और मरूफ हुसैन और मुजाहिद मोहम्मद, ये दोनों प्लेयर में से देख लेना, ठीक है। अभी दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ से बताऊँ, बेंच के जो प्लेयर हैं ना यहाँ पर, ये इब्राहिम हुसैन और यहाँ पर दोस्तों ये हमारे आदिल साहब, आदिल अहमद, ये दोनों लाइनअप में आए थे, तो ये दोनों अगर खेलते हैं ना तो बिल्कुल इनको लेकर के चलना है आप लोगों को। यासिर रजाक भी लाइनअप में आए हैं, तो इनके रिकॉर्ड देख लो, बेंच के प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, एक एक प्लेयर के रिकॉर्ड मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है यहाँ पे स्टार्टिंग के ओवर्स, लेकिन इसका कोई मायने नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे मैं लास्ट मैच के अकॉर्डिंग तो लिख दिया हूँ, लेकिन कोई भी आ जाता है स्टार्टिंग और डेथ के बॉलिंग में, ठीक है, तो ये चीज़ को कंसिडर मत करना।
बाकी आप लोग को देखना ही है तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग के ओवर और डेथ के ओवर, जो कि लास्ट मैच में जिन प्लेयर्स ने किया था उसके डाटा मैंने लिखे हैं यहाँ पे। बात करें दोस्तों टीम SOH के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम SOH की टीम अपना जो लास्ट 5 मैच खेली है उसमें दोस्तों 4 मैच हारी है और 1 ही मैच जीती है, तो उतना खास टीम तो नहीं है ये भी। लेकिन दोस्तों यहाँ के प्लेयर्स खास हैं, जैसे कि अज़हर भट्ट हैं और यहाँ पे दोस्तों शहजाद खान है, ये दोनों ओपन करते हैं और दोनों प्लेयर दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। बॉलिंग बैटिंग दोनों बैटिंग के साथ बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए, तो बिल्कुल इन दोनों प्लेयर्स को लेकर के चलना। इस सीरीज़ में दोस्तों इनका परफॉर्मेंस आप यहां पे देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं दोनों के दोनों प्लेयर्स, बैटिंग बॉलिंग दोनों परफॉर्म करते हैं, तो ये दोनों को लेकर के चलना है आप लोग को, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको वन डाउन पे खुर्रम सजाद दिखेंगे, ये प्लेयर भी बढ़िया हिटिंग कर रहा है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है टीम के लिए, तो इसको भी प्रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, टीम में ट्राई करके चल सकते हो। अजीम लतीफ़ हैं, विकेट कीपिंग करते हुए दिखते हैं और इनका दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो 16-2 मैच में आया है 16 रन का स्कोर, उसके बाद दोस्तों कोई बड़ा इनिंग नहीं है, तो देख लेना अगर इनके अपोजिशन में कोई अच्छा प्लेयर रहे तो उसको लेकर के चलना। रजा शहजाद हैं, ये कभी कभी 1-2 ओवर की बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक बैटिंग से 10 नॉट आउट लास्ट जो इनका स्कोर रहा है वही तक रहा है, बाकी बॉलिंग से थोड़ा बहुत इनको मौका मिल रहा है यहाँ कुछ मैचेस हैं, तो GL के अंदर इसको लेकर के चल सकते हो, ट्राई करना रहेगा तो कर सकते हो। उसके बाद अरसलन नजर है, इनको ड्रॉप करके चलूँगा, बैटिंग बॉलिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कामर शहजाद हैं, ये प्लेयर दोस्तों इसके में थोड़ा बहुत ना गट्स है हिटिंग करने का, 32 नॉट आउट वाली इनिंग जो थी उसमें काफ़ी बढ़िया हिटिंग किया था ये, और इसका देख सकते हो डोमेस्टिक T20 के अंदर 6 मैच में 147 रन 73 का एवरेज है, तो इसका रिकॉर्ड ठीक ठाक लगा मुझे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको लेकर के चल सकते हो। उसके बाद आपको देखेंगे मोहम्मद हलीम, ये प्लेयर बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, एकदम स्लोअर बॉलिंग करता है, एकदम स्लोअर, ठीक है, मतलब बैट्समैन इसको हिट भी नहीं कर पाता अच्छे से, तो ये प्लेयर्स को आप लेना चाहो तो ट्राई कर सकते हो पहले बॉलिंग पे, ठीक है, इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है, सेकंड बॉलिंग में थोड़ा रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का। इम्तियाज अहमद, ये भी दोस्तों कंटिन्यू 2 ओवर की बॉलिंग करता है, प्लेयर बढ़िया है ये, ठीक है, लेकिन इसको भी हर मैच में विकेट नहीं मिलते, देखो यहाँ 3 विकेट मिला है, यहाँ 1 विकेट, फिर उसके बाद कुछ मैचेस ऐसे भी हैं जिसमें विकेट लेस गया है, तो देख लेना, लेना रहेगा तो ले सकते हो। मोहम्मद वसीम ड्रॉप करके चलूँगा, लेकिन लास्ट मैच में दोस्तों इसको बॉलिंग मिला था। उस्मान रजा, लास्ट के 3 मैचेस में बॉलिंग किया है 2 ओवर का, लेकिन विकेट 1 भी मैच में नहीं मिला है, ट्राई करना रहेगा तो कर सकते हो, ठीक है, बॉलिंग तो कर रहा है प्रॉपर, अगर खेलेगा तो बिल्कुल इसको ट्राई करके चल सकते हो। यहाँ से दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रहेंगे ना उनमें अज़हर भट्ट हैं, शहजाद खान हैं, खुर्रम शहजाद हैं, ये 3 प्लेयर मैं ले रहा हूँ, और नीचे से दोस्तों रजा शहजाद या फिर कामर शहजाद, दोनों भाई में से किसी एक भाई को लेकर के चल सकते हो, राजा या फिर कामर में। और नीचे से बात करें तो देखो मोहम्मद हलीम या फिर दोस्तों इम्तियाज़ अहमद, इन दोनों में किसी एक प्लेयर को लेकर के चलना, ठीक है, दोनों प्लेयर को नहीं किसी एक प्लेयर को ट्राई करके चलना। अगर बॉलिंग फर्स्ट करे इनकी टीम तो आप सोच सकते हो दोनों को लेने का। बेंच प्लेयर की बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद वारिस हैं, ये प्लेयर बढ़िया है दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है ये, अगर खेलता है तो बिल्कुल ध्यान देना। बेंच के सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड देख लो, कोई भी खेल सकता है बेंच से, तो अगर खेले तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दे करके चलिएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग के ओवर की, तो अज़हर भट्ट हैं और उस्मान रजा है, डेथ ओवर्स में दोस्तों शहजाद खान है, मोहम्मद हलीम है, ये डेथ में बॉलिंग किए थे लास्ट मैच के अकॉर्डिंग, ये था डाटा। और ये दोस्तों हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करें एक डेमो टीम की, तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से अपन बात करें तो देखो अवेश अहमद खेल नहीं रहे तो इनको मैं नहीं ले रहा हूँ अभी। यहाँ पे आते हैं एम हुसैन और यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ए लतीफ़, ये दोनों प्लेयर में से ना मुझे तो हुसैन काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बॉलिंग भी कर ले रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 ओवर की बॉलिंग, तो इनको लेकर के चलना। लतीफ़ का दोस्तों बैटिंग उतना अच्छा खासा मुझे प्रभावशील नहीं लगा तो इसको नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी दोस्तों और प्लेयर जो यहाँ से हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वकास मिर्जा अगर ये खेलेगा ना तो इसको लेकर के चल सकते हो, वकास मिर्जा अच्छा प्लेयर है। बैटिंग सेक्शन की तरफ जाएँ तो यहाँ पर अयाज अहमद हैं और एक प्लेयर दोस्तों हलीम है, इसको लेकर के चलना, हलीम काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे दोस्तों एक प्लेयर और है यहाँ पे इब्राहिम हुसैन, ये अगर फिर से लाइनअप में आता है ना तो इसको डायरेक्ट पिक करके चलना आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलेक्शन हालांकि कम हो चुका है लेकिन प्लेयर बढ़िया है दोस्तों, बिल्कुल मैं अपनी टीम में बैक करके चलूँगा इस प्लेयर को, ठीक है, खेलेगा तो। और इसके बाद आपके पास दिखेंगे इसरार अहमद और इम्तियाज़ अहमद है ये, सॉरी, तो ये प्लेयर भी बढ़िया है, आपके लिए 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, प्लस दोस्तों बैटिंग से तो एक्सपेक्टेशन मत करने, इससे बॉलिंग ही करता है, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो आप इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके रख सकते हो, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको वेट किया हूँ। कामर शहजाद हैं, ये भी हिटर है, आपको मैं बताया हूँ, ठीक ठाक हिटिंग कर लेता है। और यहाँ पे दोस्तों रजा शहजाद, दोनों भाई हैं और दोनों प्लेयर ठीक ठाक हैं, उसमें दोस्तों रजा शहजाद
का ज़्यादा मुझे यूनिक लगता है, क्योंकि इसको बॉलिंग भी दिया जाता है टीम की तरफ से ना, एक आध दो ओवर का, तो ले करके चल सकते हो। साकिब खेलेंगे तो देख लेना, ध्यान लगाना इस, अगर साकिब खेलेगा तो ये भी बढ़िया प्लेयर है। ऑलराउंडर सेक्शन में अजहर बट, जे हैदर और खुर्रम शहजाद, और यहाँ पे दोस्तों शहजाद खान, ये प्लेयर्स मेरी टीम में रहेंगे चारों प्लेयर्स। और यहाँ पे परमवीर परमार हैं दोस्तों, लास्ट मैच लाइनअप से बाहर हुए थे, अगर लाइनअप में आते हैं तो लेकर के चलिएगा इस प्लेयर को, ठीक है, लेकिन लाइनअप से बाहर थे तो अभी नहीं ले रहा हूँ मैं इनको, ठीक है। वेरिस इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये वेरिस भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर ऑलराउंडर हैं, आपको बताया मैंने, अगर लाइनअप में आते हैं तो बिल्कुल इनको फोकस करना, लेकिन ये लास्ट मैच में लाइनअप में नहीं थे तो मैं नहीं ले रहा हूँ ये प्लेयर दोस्तों। आदिल अहमद, ये लास्ट मैच में खेला था, लाइनअप में आया था, तो बिल्कुल इसको लेकर के चलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी नीचे के जो प्लेयर्स हैं शायद मुझे नहीं लगता खेले, बाकी कोई भी खेले इंपॉर्टेंट प्लेयर बता दूंगा टेलीग्राम पे। आज़म को यहाँ से लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, आज़म मेरे लिए काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट रहेगा। एक प्लेयर यहाँ से है यासिर रज़ाक हैं दोस्तों, ये प्लेयर्स को इस मैच में मत छोड़ना, ठीक है, ये वाले मैच में अगर ये फिर से लाइनअप में आता है तो इसको लेकर के चलना, ठीक है। तो ये मेरी दोस्तों इस मैच की डेमो टीम है। यहाँ पर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ दोस्तों आप लोग के लिए, तो देखो आप अज़द बट को दे सकते हो CVC, या फिर दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे आदिल अहमद को दे सकते हो CVC, या फिर एस खान को CVC दे सकते हो, ठीक है, ये तीन प्लेयर, और यहाँ पे दोस्तों आज़म, ये चार प्लेयर, ये चारों में ही मैं CVC रोटेट करूँगा। बाकी दोस्तों मेरी जो फाइनल टीम रहेगी, फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे ना, मैं दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।